Good morning, students. This is class 12th biology, and we are doing chapter 11, biotechnology principles and processes. And in that, we have done till the topic competent host and the steps of, we were on the topic steps of biotechnology. So after completion of competent host, the next is, what are the steps of biotechnology? And the steps are as follows. You can see the first step is isolation of genetic material. Because we have to deal with genetic material, and this biotechnology is also specifically, this chapter is related to rDNA technology or genetic engineering. So if we have to make our rDNA, what is that? R stands for recombinant. So if you want to make recombinant DNA banane ke liye humko DNA to chahiye. Sabse pehli requirement to genetic material hi hoga. तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप आया है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. यूकैरियोटिक सेल्स में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स में जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है, और डीएनए उनमें न्यूक्लियस के अंदर होता है. ये थर्ड पॉइंट में आप देख रहे हो, डीएनए हमेशा कहाँ लोकेटेड होता है? न्यूक्लियस के अंदर. न्यूक्लियस की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियस के ऊपर जो सेल है उसकी खुद की भी मेम्ब्रेन होती है. जनरल सेल बनाएं अगर हम, तो जनरल एनिमल सेल इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग. उसके अंदर डबल लेयर का न्यूक्लियस भी होता है. उस न्यूक्लियस में डीएनए होता है. डीएनए लाइज इन द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल्स. बिकॉज यूकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स, फर्स्ट सेल्स विच हैव ट्रू न्यूक्लियस. So if you want to isolate the DNA from eukaryotic cells, ऐसे सेल से अगर हमें DNA रिलीज करना है, अलग करना है, isolation मतलब अलग करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें DNA तक पहुंचना पड़ेगा. DNA तक पहुंचने के लिए हमें cell membrane तोड़नी पड़ेगी. Cell membrane breaking enzymes हमें चाहिए होंगी. अगर cell के ऊपर cell wall भी है तो cell wall भी break करनी पड़ेगी. So we have to dissolve the cell membrane. Dissolve कह सकते हैं या फिर हम break भी कह सकते हैं. Dissolving or breaking the cell walls and cell membrane, we have to do that. इसके लिए ही हमें अलग, depending on कौन से organism की हम cell से DNA isolate कर रहे हैं, particularly उसी organism की related enzymes हमको use करनी पड़ेंगी to remove the DNA. तो अगर हम सेल्स को, बैक्टीरियल सेल्स को लाइज कर रहे हैं DNA आइसोलेट करने के लिए, लाइजोजाइम यूज होगी. बिकॉज बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, म्यूकोपेप्टाइड होता है, एंड उसके अंदर उसको तोड़ एक ही एंजाइम सकती है, इसका नाम है लाइजोजाइम. अगर हम प्लांट सेल से DNA रिलीज कराना चाहते हैं तो हमको सेलुलेज एंजाइम लगेगी. बिकॉज प्लांट सेल वॉल में क्या होती है? सेलुलोज से बनी होती है प्लांट सेल वॉल. फंगस से अगर हम लोग डीएनए आइसोलेट कराना चाहते हैं तो वी विल रिक्वायर द काइटिनेज एंजाइम. तो डिपेंडिंग ऑन हमें कौन से ऑर्गेनिज्म से डीएनए आइसोलेट कराना है, उसकी रिलेटेड एंजाइम ही हम यूज करते हैं फर्स्ट स्टेप. आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आई होप सो. नाउ आगे हम अगर देखिए और क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स, राइबोन्यूक्लियो, और भी अगर हम चीजें ओपन कर लेते हैं, अगर हम सेल को ओपन कर लेते हैं तो सेल में बाकी जो चीजें प्रेजेंट हैं, जैसे डीएनए तो आ ही जाएगा सोल्यूशन में, साथ में आरएनएज भी आ जाएंगे, प्रोटीन्स भी आ जाएंगे, हमारे पास काफी सारी और अदर चीजें हमें सेल ब्रेक करने के बाद मिल जाएंगी.
जैसे हमने हमें तो चाहिए सिर्फ डीएनए, तो हमें आइसोलेट करना पड़ेगा डीएनए। उसके लिए हमें बाकी अननेसेसरी चीजों को भी डाइजेस्ट करके अलग करना पड़ेगा, उनको एज अ वेस्ट हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड द एंजाइम्स विच कैन ब्रेक द आरएनए मॉलिक्यूल्स, विच कैन ब्रेक द अनवांटेड प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स। सो टू एंजाइम्स वी फर्दर हैव टू ऐड, आरएनएज़ एंड प्रोटीएज़, इन दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा। एंड आफ्टरवर्ड्स प्यूरिफाइड डीएनए प्रेसिपिटेट विद द एडिशन ऑफ इथेनॉल। लास्ट स्टेप में हमको इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल डालकर डीएनए को प्रेसिपिटेट करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज डीएनए इज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो वो किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकता है। अल्कोहल क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो लास्ट में जब हम उसमें चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, जो टेस्ट ट्यूब में हमारा डीएनए बचता है वो क्या हो जाता है, उसके साथ ऐड होके प्रेसिपिटेट हो जाता है, मतलब सॉलिडिफाइड फॉर्म में, हमें थ्रेड फॉर्म में वो मिल जाता है इन फ्रॉम द सस्पेंशन। तो ये होती है सिंपल सी डीएनए एक्सट्रैक्शन की फर्स्ट स्टेप, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे पहले करी जाएगी, क्योंकि काम हमारा पूरा रिलेटेड किससे है, डीएनए से। तो आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ recombinant DNA technology. I hope it is clear to you. Now, coming to the next step. यहाँ आप डायग्राम देख पा रहे हैं, सेल्स सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में सेल्स स्लाइस हो रहे हैं डिटर्जेंट की मदद से। हमने सेल को अच्छे से क्रश कर दिया है, एंड उन सेल्स को जिससे हमें डीएनए निकालना है उसके अंदर हमने फिर डिटर्जेंट का सोल्यूशन डाल दिया है। आयनिक सॉल्ट भी डाल सकते हैं उसके अंदर थोड़ा। ये पूरा एक हमारा प्रैक्टिकल भी है, व्हेन यू विल कम इन द लेबोरेटरी इन ऑफलाइन मोड वी हैव, देन वी विल बी डूइंग इट। एंड उसके बाद सेल कॉन्टेंट सेल टेस्ट ट्यूब में आ गए हैं उनके साथ साथ, पर डीएनए के साथ साथ उसमें आरएनए भी आ गया है, प्रोटीन भी आ गया है। तो जैसा मैंने बताया, उसके लिए एंजाइम्स डाल के उनको डाइजेस्ट करा के अलग कर देंगे और डीएनए सही सलामत रखेंगे। देन हम सेंट्रीफ्यूगेशन को एक और मतलब टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज इज द फोर्स विच एक्ट आउटवर्ड्स। जब हम इस टेस्ट ट्यूब को जिसमें सारे कंटेंट्स हैं, जिसमें हमने प्रोटीन वगैरह की तोड़ने वाली एंजाइम्स भी डाल दी हैं, यानी कि आरएनएज तोड़ने वाली आरएनएज डाल दी, प्रोटीन तोड़ने वाली प्रोटीएजेस डाल दी हैं, उसके बाद हमको यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ता है। एंड आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन वी गेट टू पोर्शंस। टेस्ट ट्यूब में हमें दो पोर्शन मिल जाते हैं। एंड सेंट्रीफ्यूगेशन में इस टेस्ट ट्यूब को हम काफ़ी स्पीड में पर मिनट, हम इसको कई सारे राउंड्स लगवा देते हैं। एक ऐसी मशीन होती है जो मोटर से चलती है और वो कई सारे बार इसको सॉल्यूशन को घुमाती है और बहुत स्पीड में, ताकि इसके अंदर बहुत ही जो छोटे पार्टिकल्स हों डेंसिटी के बेसिस पे आकर नीचे इकट्ठे हो जाएं। डेंसिटी के बेसिस पे दे कम एंड दे कलेक्ट एट एस पैलेट, नीचे उसके सेडिमेंट हो जाए एंड ऊपर एक सस्पेंशन हमें सोल्यूशन मिल जाए। दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। इस लिक्विड में तो डीएनए रह लेता है, लिक्विड के अंदर डीएनए आ जाता है, और जो नीचे वाला जो कलेक्टेड मटेरियल है उसके अंदर डेब्रिस आ जाता है, सेल डेब्रिस, सेल की टूटे हुए और डाइजेस्टेड पार्ट्स आ जाते हैं। हमें काम किससे है? हमें तो सॉल्यूशन से काम है। तो हम इसमें लास्ट स्टेप में क्या डाल देते हैं? चिल्ड इथेनॉल भी डाल देते हैं। एंड चिल्ड इथेनॉल डालकर वी कैन प्रेसिपिटेट द डीएनए। तो दिस स्टेप इज क्लियर टू यू? एंड देन द डीएनए कैन बी एक्सट्रैक्टेड एज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। डीएनए हमें थ्रेड जैसा, हम इसको ग्लास रॉड के ऊपर या किसी भी सब उसके ऊपर रॉड टाइप मटेरियल के ऊपर इसको हम रिलीज करा सकते हैं, स्पूल्ड करा सकते हैं। प्लास्टिक की चाहे कैपिलरी हो, हमारे पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिससे हम इसे निकाल सकें। एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कटिंग। अब हमें डीएनए मिल गया है तो सेकंड स्टेप इज व्हाट, कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। बिकॉज हमने प्योरीफाई किया डीएनए एज अ होल, पर अब हमें तो उसका पूरा डीएनए से काम नहीं, हमको उसमें से भी क्या, अपनी डिजायरेबल जीन से काम है।
हमको, जैसे बाई चांस हमने मान लो बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकलवाना है, तो बैक्टीरिया का जब हम डीएनए आइसोलेट करेंगे तो उसमें तो दो तरह के डीएनए आ जाएंगे, एक तो क्रोमोसोमल डीएनए आ जाएगा तोड़ने के बाद उसमें, और एक सर्कुलर प्लाज्मिड्स आ जाएंगे। हमको तो प्लाज्मिड से काम है, तो व्हाट वी विल डू, उसके बाद हम इनको क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट भी कराते हैं जो डीएनए हमें मिला है, प्योरीफाइड डीएनए को। डिजायरेबल जीन पाने के लिए या वेक्टर जीन पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करा के उनको सेपरेट कराना पड़ता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डाइजेशन करा देते हैं उसमें सोल्यूशन में, टेस्ट ट्यूब की सोल्यूशन में जहाँ पर डीएनए अलग किया है उसमें एंजाइम भी डाल देते हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पर्टिकुलर आपको पता है इनका एक्शन, साइट्स पे कट करती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करती है। नाउ आफ्टर एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वी गेट डीएनए फ्रेगमेंट्स, हमें अलग अलग रेंज की, अलग अलग साइजेस की, छोटी बड़ी इरेगुलर, ये सब तरह की हमें डीएनए के कटआउट्स मिलेंगे, फ्रेगमेंट्स मिलेंगी। एंड अब इन फ्रेगमेंट्स को हम नेगेटिवली चार्ज से टूवर्ड पॉजिटिवली चार्ज तरफ मूव करा देंगे। एंड किसके अंदर मूव कराएंगे, पूरी असेंबली होगी, एक पूरा एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिस और सेटअप होगा उसका, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के इसको कराते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डीएनए या बायोमोलिक्यूल्स का मूव होना। डीएनए मूव करता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्योंकि वो खुद भी नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव से रिपेल होता हुआ जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ वो मूव करता है जेल के अंदर। ऐसा वो करेगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी, एंड देन जैसे ही हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगी हम उसको क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे डीएनए लाइगेस की मदद से वेक्टर के साथ। वी विल बी बाइंडिंग इट टू द कट वेक्टर एंड डीएनए लाइगेस हम दूसरी एंजाइम उसके अंदर ऐड करके उसको कंबाइन करवा देंगे। आई थिंक दिस स्टेप इज क्लियर, दिस स्टेप इज शोन इन दिस डायग्राम एज वेल। यहाँ पर आप देख रहे हो डीएनए मिला था हमें, यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लाज्मिड्स अलग किए थे। We have digested the both the DNA with the restriction enzymes. Then fragments हम separate कर लेंगे, लंबी fragments ऊपर रहेंगी, छोटी fragments अपने size के हिसाब से छोटे छोटे होते हुए बिल्कुल ही नीचे आ जाएंगी, यानी कि decreasing order of their size में ये अपने आप को separate कर लेंगी gel के ऊपर। And then last में हम vectors के अंदर फॉरन जीन प्लेस कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे टू मेक अवर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ऐसे वेक्टर जिनके अंदर हमें फॉरन जीन डाल दिए उन वाले डीएनए को बोलते हैं, डीएनए को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना। अभी तक हमारा एक मेजर स्टेप कंप्लीट हो चुका कि हमारे पास आरडीएनए तो आ गया, टेक्नोलॉजी का नाम आरडीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, उसमें हमारा पहला एम कंप्लीट हुआ है, जस्ट एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब हमको क्या करना होगा, इस आरडीएनए की एम्प्लीफिकेशन भी करनी होगी। वी हैव टू डू द एम्प्लीफिकेशन ऑफ दिस डीएनए। ओके, सो एम्प्लीफाई करने के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को एम्प्लीफाई करते हैं हम, एंड पर्टिकुलर जो डीएनए सीक्वेंस है उसको, उसकी कॉपीज बनाते हैं। अभी हमने जो डीएनए पाया उसकी कॉपीज बनाते हैं। कैसे बनती है, ये एक पूरी एक मशीन होती है, इस मशीन में भी ट्यूब्स रखी जाती हैं, इन टेस्ट ट्यूब्स में, उस मशीन में टेस्ट ट्यूब्स को, एक पूरा टेस्ट ट्यूब्स में डीएनए रखकर हम टेस्ट ट्यूब्स को मशीन में रख देते हैं। एंड इस मशीन में टाइमर्स वगैरह लगाने का प्रोसेस, इस इन टेस्ट ट्यूब का लिड भी बंद कर देते हैं, उनके रखते वक्त इनके अंदर हम पॉलीमरेजेस एंजाइम डाल देते हैं, डीएनए पॉलीमरेजेस, जिनका स्पेशल नेम है, बिकॉज स्पेशल क्यों, क्योंकि इनको हाई टेम्परेचर में, इसके अंदर पूरा टेम्परेचर मेंटेन करने का भी मैकेनिज्म होता है। इस मशीन को बोलते हैं पीसीआर मशीन क्यों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन, जो हमारे इसी डीएनए की कई कॉपीज बनाकर हमको अंदर ही अंदर रिएक्शन करवाती रहती है, डीएनए को बार बार ओपन करके, बार बार उनके अंदर प्राइमर्स जोड़ के नए डीएनए बनाकर हमको तैयार करके देती रहती है, ऐसी मशीन्स होती है ये। तो इसके स्टेप्स क्या हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, रेप्लिकेशन, तीन स्टेप्स होते हैं इसके।
कि हमारे डीएनए को डीनेचर करना, डीएनए को अनील करना, प्राइमर्स को और रेप्लिकेट करवाना, उन्हीं चीजों को रेप्लिकेट करवाना। ये क्या होते हैं? स्टेप्स हैं पीसीआर के, थर्मस एक्वाटिकस टू फैसिलिटेट द रेप्लिकेशन, इस वाली एंजाइम को हम लोग यूज करते हैं। स्टेप देखेंगे, डीएनए डीनेचुरेशन के वक्त डबल स्ट्रैंड का डीएनए हीट करने के बाद सिंगल स्ट्रैंड का हो जाता है, मतलब वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक डीएनए का पिक्चर बना हुआ है। अगर हम इसे हीट करें तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओपन होके ये ऐसा बन जाएगा, इसके जो स्ट्रैंड्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, वाई शेप का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा एंड ये ओपन हो गया। अगर तो यही किया जाता है डीनेचुरेशन में, डीएनए को जो कॉइल्ड ट्विस्टेड डीएनए होता है उसे ओपन करके सेपरेट किया जाता है स्ट्रैंड्स को, देन ताकि हम उसके एंड पॉइंट्स पे प्राइमर अटैच कर सके। प्राइमर्स छोटे डीएनए स्ट्रेचेस ही होते हैं, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेचेस होते हैं जो हमारे 5-3 एंड पे लगा दिए जाते हैं, ताकि अब इन्हीं के ऊपर ओरिजिनल स्ट्रैंड को पढ़कर, ओरिजिनल स्ट्रैंड के जो भी सीक्वेंसेस होंगे उनको पढ़कर नया डीएनए बनाया जाएगा। न्यू डीएनए विल बी फॉर्म्ड आफ्टर रीडिंग देम बाय एक्सटेंडिंग देम। तो हमें यही करना है, हमें जीन एम्पलीफाई करनी है, तो प्राइमर एनील हो जाएगी एंड उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम उसमें है, लिक्विड में होती ही है, जो डीएनए को पेरेंट डीएनए को टेम्पलेट समझकर नया डीएनए बनाती है और रेप्लिकेशन उसका स्टेप है, लास्ट स्टेप, जिसका मतलब एम्पलीफिकेशन भी है। ये करा जाता है थ्रू एंजाइम विच इज थर्मोस्टेबल, थर्मस एक्वाटिकस की एंजाइम, मैं बोल रही थी ना स्पेशल पॉलीमरेज, ये होती है टैक पॉलीमरेज, TAQ, टैक पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से आइसोलेट जो होती है। ये बैक्टीरिया इसीलिए स्पेशल है बिकॉज ये हॉट स्प्रिंग में मिलता है, ऐसा बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में मिलता है वो है ये, और इसकी जो एंजाइम्स है वो हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकती हैं, इसीलिए इसे पीसीआर को काम करने के लिए है, ठीक है, बिकॉज पीसीआर में भी हाई टेम्परेचर होगा, अनलेस हाई टेम्परेचर ना हो डीएनए अपने आप को ओपन नहीं कर सकता, ओपन करने के लिए इसे हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। आई होप आपको क्लियर हो। नाउ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का ये डायग्राम भी दिया हुआ है, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी एज वेल। सबसे पहला स्टेप डीनेचुरेशन है, आप देख सकते हो पेरेंट डीएनए क्या हो रहा है, डीनेचर हो रहा है, जो पहले 3-5 स्ट्रैंड्स बंद थे वो अब डीनेचुरेशन के बाद क्या हुए, दो सेपरेटेड हो चुके हैं, उनके अंदर छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स जोड़े गए हैं दोनों स्ट्रैंड पे, दोनों अपोजिट अल्टरनेट तरफ, जिन्हें प्राइमर्स बोला गया है, और ये सेकंड स्टेप है एनीलिंग। तो सबसे पहला हुआ डीनेचुरेशन, सेकंड स्टेप हुआ एनीलिंग, थर्ड स्टेप होता है एक्सटेंशन, थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन। इसमें यही प्राइमर्स क्या हो गए हैं, डायग्राम के देखने के पता चला ये आगे मूव हो गए हैं, और हमें एक डीएनए से अब हमें दो डीएनए मिल चुके हैं। अगर हम ऐसा नियरली 30 साइकल्स तक चला दें, यही 3 स्टेप्स रिपीट करा दें, साइकल्स कराने के बाद 1 बिलियन टाइम्स इसकी कॉपीज हमें मिल जाएंगी। तो दिस इज द स्टेप, थर्ड स्टेप एम्पलीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, हम डिजायर्ड जीन को एम्पलीफाई कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास लार्ज अमाउंट में, एम्पल अमाउंट में दोनों चीजें आ गई, वी हैव गॉट द फॉरेन जीन इन लार्ज अमाउंट एज वेल एज वी हैव गॉट द दैट कॉम्पिटेंट सेल्स। अब हम इनको कॉम्पिटेंट सेल्स को इस डिजायरेबल जीन जो हमने एम्पलीफाई करी है उससे डायरेक्टली ट्रीट करके अपने चांसेस हमने इंक्रीज कर लिए कि हमारे पास ट्रांसफॉर्म सेल्स मिल जाए, हमें कॉम्पिटेंट सेल्स हमें मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इंसर्शन कराते हैं आरडीएनए का होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाकर, और फिर अचीव बाय केमिकल ट्रीटमेंट कर लें, माइक्रो इंजेक्शन कर सकते हैं, बायलिस्टिक मेथड्स कर सकते हैं, और गन मेथड यूज कर सकते हैं, पैथोजन को डिसार्म भी कर सकते हैं। ओके, सो फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर्टल्स व्हेन द आरडीएनए इज ट्रांसफर्ड, जैसे ही जो नया और सेल होगा वो आरडीएनए अपने अंदर लेगा तो उसका जो फिनोटाइप होगा वो क्या चेंज हो जाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाएगा, एम्पीसिलिन
अगर मान लो एम्पिसिलिन उसके अंदर है और टेट्रासाइक्लिन दो थी, इकोलाई का पीबीआर 322 यूज किया हो अगर, तो उनमें से एक में तो हम अपना क्या करेंगे, फॉरेन जीन डालेंगे ही, तो वो क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन तो सेंसिटिव होगा बट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट अभी भी होगा। तो ऐसे बैक्टीरियाज जो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है बट एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंट है, उनको जब हम प्लेट करते हैं एम्पिसिलिन मीडियम पे, तो ट्रांसफॉर्म सेल सिर्फ ग्रो होते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल ड्राई हो जाते हैं। तो ऐसे सेल्स को, ट्रांसफॉर्म सेल्स को हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करके उनको हम लार्ज अमाउंट में फिर बायोरिएक्टर्स में ग्रो करवाएंगे। हमारे लिए एम्पिसिलिन ने किसकी तरह काम किया है, यहाँ पर एज अ एम्पिसिलिन इज एक्टिंग एज अ सिलेक्टेबल मार्कर जीन। द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन सिलेक्ट्स द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया फोर्थ पॉइंट। अब आगे का पॉइंट, दिस इज द डायग्राम विच इज शोइंग यू दैट कैसे ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, जिसके अंदर आपका वेक्टर है, वेक्टर के अंदर हमारा फॉरेन जीन रेड कलर का दिखा रखा है, जब हम इसको नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स से देख कंपेयर करें तो उसमें वेक्टर नहीं है ना उसमें फॉरेन जीन है। जब हम इनको न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे जिसमें एम्पिसिलिन ग्रो करी है, रखी हुई है हमने, तो उसमें सिर्फ ट्रांसफॉर्म वाला ग्रो होगा, नॉन ट्रांसफॉर्म वाला ग्रो नहीं होगा। ओनली दीज काइंड ऑफ सेल्स कैन ग्रो बिकॉज इसके अंदर हमने ऐसी स्पेशल जीन डाली है, ये ग्रीन वाली जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की है। ब्लू वाली में तो हमारा फॉरेन जीन लगा हुआ है बट ग्रीन वाले रीजन एक और है जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस दे रही है, इसी की वजह से इसके ऊपर एम्पिसिलिन काम नहीं करती और हमारी ऐसे बैक्टीरियाज की कॉलोनी यहाँ पर वाइटिश कलर की हमें दिखने लगती है, ग्रो हो जाती है। अब हम इनको अगर किसी भी बड़े लार्ज अमाउंट में बायोरिएक्टर्स में ग्रो करें तो हम इनका कल्चर पा सकते हैं और इसमें जो भी फॉरेन जीन गई है वो भी काम करेगी, इसमें जो फॉरेन जीन गई है वो भी इसमें क्या करेगी, डबल होगी, अपना प्रोडक्ट बनाएगी और हमको बायोटेक्नोलॉजी हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, एलियन डीएनए वाइंड्स विद क्लोनिंग डीएनए वेक्टर, आरडीएनए ट्रांसफर टू सूटेबल होस्ट। एलियन डीएनए को हमने क्लोनिंग वेक्टर में डाल दिया और उसको फिर होस्ट में डाल दिया बैक्टीरिया में, आरडीएनए ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, ने प्रोटीन बनाया है ऑप्टिमल कंडीशंस में, एंड आफ्टर क्लोनिंग ऑफ आरडीएनए टू पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉपीज टारगेट प्रोटीन प्रोड्यूसेस इन लार्ज स्केल। टारगेट प्रोटीन हम बहुत लार्ज स्केल में मिल जाता है और ऐसा होस्ट, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो उसकी ओरिजिनल जीन को अपने अंदर रख रहा है बट ओरिजिनल जीन के साथ साथ दूसरी फॉरेन जीन भी उसमें गई है और वो फॉरेन जीन उसके ओरिजिन की नहीं है। जैसे कि मैं अगर ये पिछला डायग्राम आपको देखें तो उसमें क्या था, उसमें आपका फॉरेन जीन था, देर वॉज अ फॉरेन जीन एंड फॉरेन जीन प्लाज्मिड में था। ओके, और अगर ये फॉरेन जीन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ये फॉरेन जीन हमारा ह्यूमन इंसुलिन का जीन था, ठीक है, तो ह्यूमन इंसुलिन बैक्टीरिया का तो कोई रोल नहीं है उसमें, बैक्टीरिया के ओरिजिनल जीन तो नहीं है वो, इट इज अ फॉरेन जीन, इट इज राइट फ्रॉम द ह्यूमन, ह्यूमन से उसका ओरिजिन है। तो ऐसी ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की जीन को रेप्लीकेट करवाते हैं, ऐसे होस्ट, ऐसे सेल्स यहाँ पर इकोलाई होस्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर जो ये रिकॉम्बिनेंट इकोलाई है वो आपका हेट्रोलोगस होस्ट बन गया, रिकॉम्बिनेंट इकोलाई इज एक्टिंग एज अ हेट्रोलोगस होस्ट बिकॉज ये ह्यूमन की जीन को क्या कर रहा है, बना रहा है। सेल्स विच हार्बर क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट ग्रोन इन लेबोरेटरी इन द स्मॉल स्केल, सेल्स जो क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट को ग्रो करवा रहे हैं लार्ज अमाउंट में वो भी क्या कहलाएंगे, हेट्रोलोगस होस्ट कहलाएंगे। और हेट्रोलोगस होस्ट जीन और जीन फ्रेगमेंट दैट डज नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन होस्ट, यहीं पर उसकी डेफिनेशन दे रखी है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेट्रोलोगस होस्ट। इफ यू वांट टू राइट, इफ यू इन योर कॉपी यू कैन राइट एंड आल्सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नाउ सेल ऑफ डिवाइडिंग होस्ट यूज टू एक्सट्रैक्ट डिजायर्ड प्रोटीन, डिजायर्ड प्रोटीन हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन बैक्टीरिया से। अब हम जब हम इनको कल्चर में ग्रो करेंगे तो इन बैक्टीरिया से हमें
क्या मिल जाएगी, फॉरेन जीन का प्रोडक्ट मिलता जाएगा। तो इस तक तो हमारा, इस स्टेप तक तो हमारा क्या हो गया, फिफ्थ स्टेप तक क्लियर हो गया। इसके बाद बायोरिएक्टर के स्टेप हैं वो कम्प्लीटली क्या कह सकते हैं, एक लॉन्ग टॉपिक और अपने आप में अलग से पढ़ने हैं, तो इस वजह से उनको हम क्या करेंगे सेकेंड लेक्चर में, इसके आगे वाली लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज तक हमने, अभी तक हमने फिफ्थ स्टेप तक ही, फॉरेन जीन प्रोडक्ट कैसे पाते हैं, वहाँ पर हेटरोलोगस होस्ट क्या होता है वो देखा, एंड हमने देखा कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्म्ड सेल को हम पहले तो आइसोलेट करते हैं प्रोडक्ट बनाने से पहले ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर जीन की हेल्प से, एम्पिसिलिन जो है, और उसके बाद उससे पहले देखा कि होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाला जाता है, और पीसीआर का रिएक्शन देखा। पीसीआर इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसके तीन स्टेप्स जाने कि डीएनए डीनेचर होता है, सेपरेट हो जाते हैं स्ट्रैंड, डीएनए में प्राइमर जुड़ जाते हैं और एक्सटेंड करवाए जाते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, पीसीआर से कैसे एम्प्लीफिकेशन करना है, वेक्टर कैसे पाएंगे, आरडीएनए कैसे पाएंगे वो हमें पता चल गया, कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस, डीएनए को कैसे काटते, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए निकाला ही कैसे जाता है। तो बैकवर्ड टू फॉरवर्ड मैंने वो स्टेप्स अभी समराइज कर दिए कि डिफरेंट सेल्स को ब्रेक करने के बाद डिफरेंट एंजाइम्स को यूज करने के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगेशन करके चिल्ड इथेनॉल में डीएनए प्रेसिपिटेट किया जाता है, जेनेटिक मटीरियल आइसोलेट किया जाता है। बस अब लास्ट के 6-7 स्टेप्स रह गए हैं, कल्चरिंग द होस्ट एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये स्टेप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन हियर। दिस वाज डिस्क्राइब्ड एज द स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग फ्रॉम चैप्टर 11 क्लास 12 बायोलॉजी।